हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमार रिपब्लिक। स्टूडेंट्स, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाने के कारण विलहम सेकंड, जो कि जर्मनी के राजा थे, उन्होंने अपना थ्रोन छोड़ दिया। और इन्हीं सिचुएशंस की वजह से जर्मनी में पार्लियामेंट्री पार्टीज को डेमोक्रेटिक रूल एस्टैब्लिश करने का मौका मिला। एक मीटिंग बुलाई गई वेमार में, जहां नेशनल असेंबली की मदद से एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जर्मन पार्लियामेंट यानी कि राइस्टैग ने डेप्यूटीज को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट किया। इसमें विमेन वोट्स को भी पूरी तरह से कंसीडर किया गया। जर्मन्स ने कभी भी वेमार रिपब्लिक को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बहुत से रीजंस थे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाने के कारण जर्मनी को अलाइड पावर्स के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसके मुताबिक जर्मनी से बहुत सारी टेरिटरीज और कॉलोनीज छीन ली गई। वॉर कॉम्पेंसेशन की फॉर्म में जर्मनी को अलाइड पावर्स को 6 बिलियन पाउंड भी देने पड़े। इतनी हार्श टर्म्स के बावजूद भी वेमार रिपब्लिक ने इस पीस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया था, और इसीलिए जर्मन्स ने कभी भी वेमार रिपब्लिक को पसंद नहीं किया। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाने के कारण जर्मनी में फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे थे। जर्मनी ने वॉर डेट्स को गोल्ड की फॉर्म में देना शुरू कर दिया, और इसीलिए जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स बहुत ही जल्दी खत्म हो गए। 1923 में जर्मनी ने अलाइड पावर्स को वॉर कॉम्पेंसेशन देने से मना कर दिया, और रिजल्ट ये था कि फ्रांस ने रूर पर अपना कब्जा जमा लिया। इस सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए जर्मनी ने बहुत सारा पेपर मनी प्रिंट किया, और इससे जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई। जर्मन करेंसी यानी कि मार्क की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई, और एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। जर्मन्स ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण भी वेमार रिपब्लिक को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कारण किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी में लीड करना इम्पॉसिबल था। आर्टिकल 48 की वजह से प्रेसिडेंट को बहुत सी पावर्स दी गई, जैसे कि इमरजेंसी डिक्लेयर करना और सिविल राइट्स को सस्पेंड करना। इन सभी रीजंस के कारण जर्मन्स ने वेमार रिपब्लिक को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और उनका डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से पूरी तरीके से भरोसा उठ गया। फ्रेंड्स, हम इस आंसर को पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसीलिए अब सभी के लिए इसका रिटन सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इसका रिटन सॉल्यूशन विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। I'm sure students, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।